जोजो किड्स। लालची खरगोश। एक जंगल में तीन खरगोश के बच्चे रहते थे। तीनों भाई थे। उनकी माँ बहुत अच्छी थी और उन्हें हमेशा अच्छी ही बातें सिखाती थी। माँ रोज उन तीनों को एक एक टमाटर और गाजर देकर जाती। माँ के काम पर जाने के बाद वो तीनों दिन भर पास के खेतों में खेलते रहते। आओ सब मुझे पकड़ो, मैं सबसे तेज भागता हूँ। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। मैं तुमसे तेज भागता हूँ, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। आओ देखते हैं, करोगे मेरे साथ रेस? हाँ चलो भागते हैं। दोनों खरगोश भागने लगते हैं। तीसरा खरगोश अपनी टोकरी की तरफ देखता है जिसमें माँ ने खाना भेजा है। अरे भाइयों आओ खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सुनो आ जाओ वापस, रेस बाद में लगा लेना, बहुत भूख लगी है। दोनों भाई खेलने में मस्त थे इसीलिए उन्होंने किसी की आवाज नहीं सुनी। तीसरा खरगोश एक टमाटर उठाकर खा लेता है। थोड़ी देर बाद फिर से उसे टमाटर खाने का दिल करता है, फिर से वह एक टमाटर खा लेता है। ऐसा करते करते वह तीनों टमाटर खा लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों भाई वापस आ जाते हैं। देखा मैं जीत गया, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं जीत जाऊंगा, मैं बहुत तेज भागता हूँ। अभी खाना खाकर फिर से एक साथ दोबारा रेस लगाएंगे, बताओ क्या इरादा है? तीनों भाई बैठकर खाना शुरू करते हैं। और टोकरी में टमाटर नहीं है, लगता है माँ टमाटर देना भूल गई। अगले दिन भी तीसरे खरगोश ने ऐसा ही किया, वह तीनों टमाटर फिर से खा गया। पर उस दिन दूसरे खरगोश ने माँ से पूछा, माँ क्या बात है, आजकल आप खाने में टमाटर नहीं भेजती हो। क्या मैं नहीं देती? अच्छा पर ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें रोज टमाटर देती हूँ। माँ समझ गई थी कि कोई ना कोई टमाटर जरूर खा लेता है। देख लेना कल ऐसा खाना भेजूंगी जिसे तुम तीनों खुश होकर खाओगे। माँ वो क्या है जो आप कल हमें देंगी? पता नहीं वो चीज मुझे पसंद आएगी या नहीं, आप अभी बता दीजिए। माँ समझ गई कि यही वो टमाटर खाता है। माँ ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा हमें अपने भाइयों का हक नहीं मारना चाहिए। बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अगर ज्यादा टमाटर खाने हैं तो तुम मुझे कहो, तुम्हें अपने भाइयों का खाना नहीं खाना चाहिए था। मैं समझ गया माँ, मुझे माफ कर दो। और इस तरह माँ ने बच्चों को एक और नई शिक्षा सिखाई कि खाना हमेशा बांट कर ही खाते हैं। बत्तख के सोने के अंडे। धनिया एक मछुआरा था, वह रोज मछलियाँ पकड़ता और अपना गुजारा करता। एक दिन मछलियाँ पकड़ते हुए उसने देखा कि एक बत्तख बहुत परेशान है। तुम मुझे काफी उदास और परेशान लग रही हो, भला क्या बात है? हाँ मैं परेशान हूँ और इसका कारण तुम हो। क्या मैं? हाँ तुम रोज यहाँ आते हो, मछलियाँ पकड़ कर ले जाते हो, कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मगर तुम सारा ध्यान मछलियों पर रखते हो। मुझे लगता है तुम बहुत मतलबी हो, तुम्हें इन्हें मार कर बेचना अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें उससे धन मिलता है, तुम्हें दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा नहीं है, तुम अगर सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। अरे तुम तो मुझे बड़ी प्यारी लगती हो, पर क्या करूं, मेरे पास धन नहीं है और पैसे कमाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। बत्तख मुस्कुराती है और धनिया के साथ दोस्ती कर लेती है। अगले दिन धनिया फिर दोबारा मछलियाँ पकड़ने आता है। उस दिन वो बहुत परेशान था। क्या हुआ, आज तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ मैं परेशान हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है और जानती हो मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, मगर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। इतने कम पैसों में मैं घर चलाऊं, शादी करूं या अपनी माँ की दवाई लाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लो। बत्तख के पास बड़े बड़े दो सोने के अंडे थे, उसने वो अंडे धनिया को दे दिए। अरे ये क्या, सोने के अंडे, ये तुम्हारे पास कैसे आए? ये मेरे अंडे हैं। क्या तुम जानते हो मेरे पास हर साल
कई सोने के अंडे होते हैं जो मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ दे सकती हूँ। और फिर अभी कल ही तो हम दोस्त बने हैं, तुमने अपनी दोस्ती निभाई अपने दिल की बात मुझे कहकर। इसी तरह मैं भी अपनी दोस्ती निभा रही हूँ तुम्हारी मदद करके। ये अंडे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मैं ये अंडे नहीं ले सकता, मैं दोस्ती को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम गलत कह रहे हो, तुम एक दोस्त से बात कर रहे हो और इसमें मदद कैसी? तुम भी तो मेरी कितनी मदद करते हो। मैं पानी से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए तुम रोज मुझसे मिलने आते हो। आते हो ना? हाँ, आता तो हूँ। तो फिर हम दोनों दोस्त हुए। जाओ ये अंडे ले जाओ और अपनी माँ का इलाज करवाओ और अपनी बहन की अच्छे से शादी करना। मगर याद रहे, कल मुझसे मिलने आना ना भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तुम आज तक की मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो बत्तख, सबसे अच्छी दोस्त। बोलने वाला गधा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा गधा था। वह गधे से पूरा हफ्ता खूब काम करवाता और रविवार को उसे आराम करने देता। एक दिन रविवार को किसान को एक शादी में जाना था, तो उसने अपने बेटे को उसकी देखभाल करने के लिए कहा। बेटा, मैं एक शादी में जा रहा हूँ, तुम इस गधे का ध्यान रखना। जी पिताजी। जैसे ही बेटा गधे के पास गया, गधे के कान खड़े हो गए। तुम आज भी काम करवा रहे हो? गधे को बोलता देख लड़का हैरान हो गया और दौड़कर अपने पिताजी के पास चला गया। पिताजी पिताजी, वो गधा बात कर रहा है। अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो, नामुमकिन, ये गधा भी कभी बोलेगा। इसी बीच किसान की पत्नी वहाँ आ गई। उसने कहा, ये सब क्या कह रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, भला एक जानवर कैसे बोल सकता है। वहीं पास में एक पेड़ के पास बैठी बिल्ली ये सब सुन रही थी। तभी बिल्ली ने तीनों की बात सुनकर कहा, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, कई जानवर होते हैं जो बोलते हैं, मगर उन्हें सुनने के लिए समझदार व्यक्तियों की जरूरत होती है। और गधे का क्या, इस शहर में आज ही एक बोलने वाला गधा घूम रहा था, कहीं ये वही तो नहीं। और मुझे तो लगता है आप तीनों बड़े ही समझदार हो, शायद मैं जो कह रही हूँ आप समझ पा रहे हो। बिल्ली की बातें सुन माता पिता और लड़का तीनों बहुत हैरान हो गए, उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मालती, कहीं ये बिल्ली सच तो नहीं कह रही, हम बहुत ज्यादा समझदार हैं क्या? हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ पिताजी, जरूर यही बात होगी। दो शैतान चूहे। बबलू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। गांव के सभी लोग ज्यादातर उसी से अनाज खरीदा करते थे। बबलू की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक एक दिन दुकान में बैठे बैठे उसकी नजर बोरियों के पीछे गई। उसने देखा दो बड़े बड़े चूहे एक के पीछे दूसरा भाग रहा है। अरे ये क्या, इतने बड़े बड़े चूहे मेरी दुकान में क्या कर रहे हैं? भाई मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं इन चूहों को आज ही भगा देता हूँ, कहीं मेरा अनाज तहस नहस न कर दें। बबलू अंदर जाकर दुकान में देखता है कि जगह जगह अनाज की बोरियाँ फटी पड़ी हैं और उनमें से अनाज गिर रहा है। हे भगवान, ये सब कब हुआ, इतना सारा नुकसान कर दिया इन चूहों ने, मुझे कुछ करना होगा। जल्दबाजी में बबलू ने एक डंडा उठाया और दोनों चूहों के पीछे दौड़ लगाने लगा, मगर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर बबलू अपनी जगह पर आकर बैठ गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, मेरी दुकान में इतने बड़े बड़े चूहे, अरे ग्राहक देखेंगे तो मेरे यहाँ से सामान लेना भी बंद कर देंगे, मुझे कुछ करना होगा, भला इन चूहों को मैं कैसे पकड़ूं? तभी बबलू की दुकान पर एक ग्राहक आता है। क्या बात है भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं बताइए,
हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं? अरे भाई, किसी को कहना मत, दो बड़े बड़े चूहे मेरी दुकान में घुस गए हैं। अब तुम ही बताओ, इन चूहों को यहाँ कैसे रहने दूं? आज मैं घर कैसे जा सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, इन चूहों को दुकान से कैसे बाहर निकालूं? इन चैतान चूहों ने मेरी दुकान की हालत खराब कर दी है। अरे भाई साहब, परेशान मत होइए, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। तरकीब? कैसी तरकीब? चूहों को बड़े बड़े मोती चूर के लड्डू बहुत पसंद है। आप अगर इन्हें रोज एक मोती चूर का लड्डू देंगे तो ये केवल उसे ही खाएंगे और आपके अनाज की रक्षा भी करेंगे। क्या कह रहे हो दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बबलू ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक बड़ा सा मोती चूर का लड्डू चूहों के लिए रख दिया और उन्हें कहा, अरे तुम जो भी हो, ऐसे ही लड्डू रोज रखूंगा। मेरे अनाज की रक्षा करना और जी भर कर लड्डू खाना। ऐसा कहते ही दोनों चूहे आकर लड्डू खाने लगे और एक चूहे ने बबलू से कहा, आपका शुक्रिया, आज के बाद आपकी बोरियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम आपकी दुकान की रखवाली करेंगे, हमारे होते हुए आपकी दुकान में कोई नुकसान नहीं होगा। और इस तरह बबलू और चूहों में दोस्ती हो गई। सोने का कबूतर। एक दिन दो कबूतर आपस में बातें कर रहे थे। कैसे हो मित्र, आज बड़े दिनों के बाद तुम्हें देखा। दोस्त, मैं बहुत दिनों से एक मूर्ति बना रहा हूँ। मूर्ति? हाँ मित्र, बहुत मेहनत से मैंने एक मूर्ति बनाई है। मुझे मूर्ति बनाना बहुत पसंद है। पर तुमने यह सब कहाँ से सीखा? मैं एक मूर्तिकार को हमेशा देखा करता था, वो यहीं पास के गांव में रहता है। अच्छा, क्या तुम मुझे भी अपनी बनी मूर्ति दिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। कबूतर मूर्ति देख बहुत खुश होता है। अरे वाह, यह तो कमाल की है, बहुत सुंदर। दोस्त, क्या तुम मुझे भी मूर्ति बनाना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तन्ने अपने दोस्त को बड़ी लगन और मेहनत से मूर्ति बनाना सिखा दिया। सब कुछ सीख जाने के बाद उसके मित्र ने एक दिन कबूतर की मूर्ति बनाई जो बिल्कुल उसके मित्र की तरह थी, और फिर एक बड़ा सा आयोजन रखा। उसने अपने सभी मित्रों को बुलाया, जंगल के काफी जानवरों को बुलाया। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। सभी जानवर इधर उधर देखने लगे। तुम इधर आओ दोस्त, तुम ही मेरे गुरु हो। कबूतर इधर उधर देखने लगा। हाँ मित्र, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम इधर आकर मूर्ति का उद्घाटन करो। कबूतर ने जैसे ही मूर्ति से कपड़ा हटाया तो देखा एक खूबसूरत सुनहरे रंग की कबूतर की मूर्ति थी। सभी ने जोर से तालियां बजाकर मूर्ति की प्रशंसा की। अरे वाह, बहुत सुंदर मूर्ति है, पर ये किसकी है? अरे ये कोई नहीं, ये मेरे मित्र कबूतर की मूर्ति है। पर तुमने इसे सोने का रंग क्यों चढ़ाया है? मेरा मित्र सोने के मन जैसा है, उसने अपनी कला मुझे सिखाई एक गुरु की तरह। पहले वो मेरा मित्र था, अब वो मेरा गुरु भी है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उसका मन एकदम सोने जैसा है। यही सोचकर मैंने इस कबूतर की मूर्ति को सुनहरे रंग का कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे इतना सम्मान दिया। ये सोने की मूर्ति नहीं, तुम्हारे प्रेम और हमारी मित्रता की निशानी है। दोनों कबूतर एक दूसरे की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। Please subscribe.